नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट संख्या 33। पाठ है अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट हमें क्या करनी है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। इससे पहले हम लोगों ने तोतो चांद के एक पाठ को पढ़ा है, पिछली जो वर्कशीट थी इसी से संबंधित थी। अब देखिए, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वहाँ एक बगीचे में पेड़ लगा हुआ था जिसमें बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ पूछना पड़ता था। मतलब कि काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। आप ये समझ रहे हैं कि ये टोटल जापानी कहानी है, क्योंकि जो नाम है इसमें जापानी नाम यूज किए गए हैं। तो यासुकी चान एक जापानी बालक का नाम है, उसको पोलियो था। इसलिए पोलियो क्या होता है, पोलियो आदमी को विकलांग बना देता है, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, पसलियों का विकास नहीं होता है। तो पोलियो शरीर को अपंग बना देता है, विकलांग बना देता है। तो इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि इस पाठ में क्या है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं, और दूसरा, या आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप की लंबाई कितनी है, और आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए। पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, और आपके बड़े आपको किन किन बातों के लिए डांटते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न एक, आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो उत्तर, वैसी चीज़ें जो सिर्फ मेरी उपयोग के लिए हैं, हमारी निजी वस्तुएं हैं, जैसे मेरी किताब, मेरी नोटबुक, मेरा घर, मेरी कलम इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न दो है कि यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है। तो उत्तर होगा, आप क्या खाते हो, आपको भोजन कहाँ से मिलता है, आपकी उम्र कितनी है, ऐसा कुछ सवाल पेड़ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न तीन, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये निमंत्रण यहाँ होगा, निमंत्रण। जब किसी सामूहिक समारोह में सामूहिक रूप से व्यक्ति को बुलाया जाता है तब उसे निमंत्रण कहते हैं। यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, निमंत्रण कहते हैं। और नेक्स्ट, अब निमंत्रण की जगह यहाँ आप लोग आमंत्रण पढ़ेंगे, आमंत्रण। जब किसी विशेष रूप से हम किसी व्यक्ति एक व्यक्ति को बुलाते हैं तब उसे आमंत्रण कहते हैं। यहाँ भी आप आमंत्रण लगा लीजिएगा, जब एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो आमंत्रण कहते हैं, आमंत्रित किया जाना, और जब सामूहिक रूप से जब किसी को बुलाया जाता है तो उसको निमंत्रण कहते हैं। अब प्रश्न चार है कि पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो पोलियो रोग से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, यह विभिन्न प्रकार का होता है। और पांचवा प्रश्न है कि आपके बड़े आपको किन किन बातों के लिए डांटते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो उत्तर है, देर तक खेलते रहने पर हमारे बड़े हमको डांटते हैं, और नेक्स्ट है कि अपना कार्य सही समय पर नहीं कर पाने पर हमारे बड़े हमको डांटते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की बहुत ही प्यारी वर्कशीट, और ये समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।